बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे पे परसों आज मैं आपके लिए इमली की चटनी की बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आया हूँ। इसमें बहुत ही शानदार मसाले जाएंगे और ख़ास बात ये बनाने का मेथड इतना आसान होगा कि आप हैरान रह जाएंगे। ज़्यादातर लोग इस रेसिपी में थोड़ा सा उलझ जाते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। आज उन सभी चीज़ों का मैं आपको ऐसा सोल्यूशन दूंगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली और अहम बात, इस रेसिपी के लिए आपने जो इमली लेनी है ये रेड से कलर की होनी चाहिए, ठीक है। ये ब्लैक कलर की नहीं होनी चाहिए, ये आपको रेड ब्राउन कलर नज़र आ रहा है, ठीक है। जो ब्लैक कलर की इमली होती है उसमें टेस्ट बिल्कुल नहीं होता। जो ये वाली होती है ये फ्रेश फ्रेश होती है और इसमें पल्प भी ज़्यादा होता है। चलें जी, अब इसमें हम एक गिलास भर के पानी ऐड कर देंगे। एक पाव इमली ली है मैंने, ठीक है, 250 ग्राम। अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा सेपरेट कर देंगे ताकि पानी में इसकी मिक्सिंग आसानी हो जाए। इसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे और इसको स्टे देंगे आधे घंटे से एक घंटे का। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि ये जो सीट के ऊपर जैकेट सी होती है ना, ये आपने नहीं उतारनी। ये अगर आपने उतार ली तो आपको स्यापा पड़ जाना है कि इसको पल्प को हम कैसे सेपरेट करें, तो उसके लिए ग्राइंड करना पड़ता है, पता नहीं क्या कुछ। लेकिन आपने इस तरह से इसको हाथ में पकड़ना है, ज़ोर से दबाना है, सारा इसका जो जूस है, जो पल्प है, वो उतर जाएगा और सीड्स जैकेट समेत ही बाहर आ जाएंगे, ठीक है। इससे पल्प बिल्कुल ज़ाया नहीं होता और बहुत ही आसानी होती है। अब एक बड़ा सा बॉल लेंगे और यहाँ पे हमें एक स्ट्रेनर चाहिए। इस पल्प को हम जो है यहाँ पे ड्रेन कर लेंगे। अब यहाँ पे इसके जो थोड़ी सी आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये बूटियाँ सी, ये यहीं पे बाहर रह जाएंगी। अगर हम सीड्स के ऊपर से जैकेट्स को उतार देते ना, तो यहाँ पे कह लें कि बहुत ही मुश्किल काम हमारा हो जाना था, ठीक है। तो बहुत अहम टिप थी, सोचा मैंने आपसे शेयर करूँ। अगर आपको ये टिप अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलें जी, अब हम इसको यहाँ पर अच्छे से जो है पुन लेते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं निकला, मतलब कि हमने वो काम बहुत ही शानदार किया जिस वजह से हमें इस काम में भी आसानी हुई, ठीक हो गया। अब ये जो पल्प हमारा बचा है, ये देखें, ग्राइंड करने के बावजूद अगर जैकेट्स अंदर हो ना सीड्स की, तो कभी भी इतना स्मूथ पल्प कभी तैयार नहीं होता, ठीक है। ये अगर आपने कर लिया तो सुभान अल्लाह। अब एक खूबसूरत सा पैन लेंगे और इसमें इस पल्प को ऐड कर देंगे। पहले हमने वो काम किया बेहतर तरीके से, अब हम मसालों का भी ऐसा काम करेंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें 1 से 2 कप पानी का ऐड कर देंगे ताकि हमें पकाई में आसानी हो, बहुत गाढ़ी ना हो जाए। हाई फ्लेम करेंगे क्योंकि ये ठंडा है, गर्म होने में टाइम लगेगा। हम इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे ताकि 10 मिनट वाला काम 2 मिनट में हो जाए। चलें जी, इसको बॉयल आ चुका है। अब मसालों का आपने बहुत ध्यान से देखना है कौन सी चीज़ कितनी डालनी, क्योंकि इसमें थोड़ी सी चीज़ें भी ज़्यादा हो जाए ना, तो ये सारी इमली की जो एक फ्लेवर होता है चटनी, ज़ाया हो जाती है। 1/2 इंच के करीब ये दालचीनी का टुकड़ा है, ठीक है, इतना सा जाएगा इसके अंदर। और ये है छोटा सा अदरक का टुकड़ा, फ्रेश अदरक का टुकड़ा हर घर में अवेलेबल होता है, ठीक है, ये ऐड कर देंगे। साथ इसमें मैं 1/4 कप चीनी का ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। याद रखिएगा ये जो इमली थी ये 1 पाव थी। चलें जी, 1/4 कप चीनी का ऐड कर दिया हमने। यहाँ पे 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, टेस्ट और खूबसूरती दोनों काम करेंगी। 1 चुटकी थोड़ा सा नमक सिर्फ जाएगा इसमें, ठीक है, टेस्ट को स्टेबल करने के लिए। और 1 चुटकी ही ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, यानी कि 1/4 टीस्पून, ठीक हो गया। अब हम इसकी अच्छे से पकाई करेंगे। इसके अंदर आपने और कोई मसाला ऐड नहीं करना, ये इतने ही काफ़ी हैं। ब्लैक नमक अक्सर लोग ऐड करते हैं, लेकिन मेरे मुताबिक वो इमली की जो चटनी है उसके टेस्ट के साथ मैच नहीं करता, इसके जो एक ताज़ापन होता है उसको डिस्टर्ब करता है, ठीक है। इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती। बहुत ज़्यादा आपने गाढ़ी नहीं करनी। इसको केचप की जगह आप यूज़ कर सकते हैं, इसको किसी भी चटनी की जगह यूज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको बॉल में ऐड करते हैं फाइनली। तो माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो मेरे प्यार परसों, चटनी रेसिपी के लिए, इमली की चटनी की रेसिपी के लिए, पुलाव रेसिपी के लिए, बिरयानी रेसिपी के लिए, यम्मी एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ के लिए और हर तरह की स्ट्रीट फूड्स रेसिपी के लिए, पाकिस्तानी इंडियन रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए।